ये मुझे खड़ा कर देते हैं बोलने के लिए, तो मेरी इस बात की पुष्टि आपको मेरे बोलने से स्वयं हो जाएगी। मैं सिर्फ कि इनके कहने से खड़ा हो जाता हूँ और मेरा स्वभाव बन चुका है, मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ और पढ़ना लिखना ज्यादा नहीं करता हूँ, संगत में रहता हूँ, पढ़े लिखों की संगत में रहता हूँ, इसलिए अच्छा लगता है कि आपको सुने, आपके साथ बैठे हैं और उन विषयों पर सोचें जो आमतौर पर विषय साधारण मनुष्य की चिंतन परिधि में आजकल नहीं आ रहे हैं। तो जब जैन साहब ने सचिन जी ने रखा तो ये सुनता तो मैं रहता था कि आपके संवाद अन्य स्थानों पर हो रहे हैं, लेकिन वो इतने नजदीक इस परिसर में होंगे ये जानकर भी अच्छा लगा था, इसलिए मेरी उस पर भी सहमति थी। और वैसे भी कोई भी विश्वविद्यालय का परिसर सदैव विचार बल के विचारों का परिसर होना चाहिए, और मैंने अक्सर अपने बच्चों से स्टूडेंट्स भी कहता हूँ क्योंकि सरकारें और संगठित संस्थाएं जो होती हैं वो तो सुनती नहीं है कि विश्वविद्यालय जब तक समाज के थिंक टैंक नहीं बनेंगे तब तक कोई भी देश बहुत ज्यादा सभ्य व्यवस्था का नहीं माना जा सकता है। सभ्यता के कई चीजों में से एक ये है कि हम जो जिस भी देश को चलाना चाहते हैं चला रहे हैं उसमें अध्ययनशील शोधकर्ता पढ़े लिखे चिंतनशील लोगों की भूमिका कितनी है, और इसलिए आप सब लोगों का आना और तीन दिन यहाँ जुटना कम से कम इस कैंपस की आबो हवा को एनरिच करेगा, उसको समर्थ करेगा। मैं करने वाला आदमी हूँ और बोलने वाला पढ़ने वाला आदमी नहीं हूँ, इसलिए जैसा मैं आसपास से सीखता रहता हूँ वही मेरा अध्ययन है। अब आपने बड़ा दिलचस्प विषय रखा है और इसके एक अर्थ होते हुए भी अनेक अर्थ निकाले जा सकते और तरह तरह से निकाले जा सकते हैं। ये विषय की महिमा है कि इसको आप और अन्य तरीकों से भी सोच सकते हैं, जैसा कि मंतव्य नहीं है वैसा भी सोच सकते हैं। ठीक है। हाँ। तो जब हम सभ्यताओं की कोई भी चर्चा करेंगे तो इस धरती की चर्चा बल्कि इस ब्रह्मांड की चर्चा के बगैर कैसे वो संभव हो पाएगा, जिस प्रकृति ने ये धरती बनाई, जिस प्रकृति ने पूरा ब्रह्मांड बनाया, और ये जो पृथ्वी है जिस ग्रह पर हम रहते हैं इसकी गतिशीलता और प्राणी संसार रचने की गतिशीलता अरबों खरबों साल पुरानी है, अरबों साल पुरानी तो है ही है, उसने हर प्राणी के रूप और उसकी शक्तियों को कई बार पुनर्रचित किया है, कई बार उसको नए सिरे से उसको बदला है, और इस बदलने के दौरान जिन प्राणियों या जीवों को अपनी शक्ति का बहुत दंभ हो गया, प्रकृति ने उन जीवों को उनका संहार भी किया है। आप जानते हैं कि डायनासोर्स का ऐसा हाल हुआ कि एक भी नहीं बचा कि वे प्रजनन भी कर सके अपना। एक समय में बाघ बहुत हुआ करते थे, जिस इलाके में आप बैठे हैं यहाँ आज से 100 वर्ष पहले नहीं बल्कि मैंने अपनी आंख से इन पहाड़ों जंगलों में बाघ देखे हैं, आसपास शहर नहीं थोड़ा सा दूर, और एक यहाँ बगल में जो जिला है दतिया, अरुण जी उस दतिया के महल में 400
मारे हुए बाघों की खाल 400 मैंने स्वयं देखी है और एक एक पौवे और अध्ये में बिकती देखी है। कोई भी आए अब वो अलग कहानी उसको मैं नहीं कहना चाहता हूँ। तो ये प्रकृति और निसर्ग की का जो संतुलन बनाया ये अरबों साल का बना हुआ संतुलन है जो कि प्राणियों में परस्पर निर्भरता के कारण बना है। एक दूसरे पर निर्भर है और उससे खास तरह की फूड चेन बनाई प्रकृति ने हुई। अब इसमें ये जो सभ्यता कहां से शुरू होती है, जाहिर है कि सभ्यता का कॉन्सेप्ट विचार ये इंसानी विचार है, ये ह्यूमंस ने सोचा है और किया है। और उसकी शुरुआत जो पहला आविष्कार या पहले आविष्कार हुए खेती के, भाषा के, बोली के और आग के, अग्नि के, उसके बाद जो आदिम तौर तरीका है इंसानों का वो बदलने लगा, उसमें परिवर्तन आया। और इन आविष्कारों की वजह से उसकी जिंदगी थोड़ी सुविधाजनक हुई। वो कंदराओं से निकल के उसने छप्पर बनाए, वो पेड़ों के ऊपर पहले सोता था या सोता होगा, गुफाओं में रहा होगा, वो धीरे धीरे करके उसमें एक उसके जीवन शैली के की सुविधाओं में विकास होना शुरू हुआ। और मेरा ऐसा ख्याल है जो कि मैंने थोड़ा बहुत कहीं सुना या पढ़ा है कि अग्नि के कारण जब पका हुआ खाना बनने लगा और उसमें तरह तरह के वनस्पतियों का डाला जाना शुरू हुआ जिसको मसाला कहते हैं, स्पाइसेस, तो अलग तरह का मस्तिष्क डेवलप हुआ ह्यूमंस का, होमो सेपियंस का। और वो मस्तिष्क फिर इतना परिष्कृत होता गया कि आज इंसान स्वयं अपनी शक्ति के उस दंभ पर है या दंभ के उत्कर्ष पर है जहां संभव है कि पुनः प्रकृति इसका निर्णय करे कि इस जानवर का क्या करना है जिसको इंसान कहा जाता है। तो ये जो पूरी चर्चा हम लोग करते हैं जलवायु परिवर्तन की, इसका एक नतीजा अगर नहीं सुधरे सब लोग तो एक नतीजा ये हो सकता है कि समूची मानव जाति एक बार फिर से ध्वस्त नष्ट हो जाए, पूरी तरह से विनष्ट हो जाए। ये संभव है क्योंकि कहीं पुनर्विचार नहीं मिलता है, न सरकारों के स्तर पर, न देशों के संगठन के स्तर पर, और न ही व्यक्तिगत निजी स्तर पर। और जो है भी थोड़े बहुत प्रयास वो बहुत मामूली है, इतने हैं कि उससे जो समूची बड़ी समस्या है उस समस्या का कोई समाधान संभव नहीं है। जब बोलियां भाषाएं आ गई, लोग लिखने पढ़ने शुरू हो गए, छापे खाने चालू हो गए और पेट भरने लगा, सुरक्षा हो गई जीवन की, तब मनुष्य ने संगीत का, चित्रकारी का, ये सब चीजें शुरू की जो उसने प्रकृति से सीखी थी। ये संगीत प्रकृति से सीखा हुआ संगीत है, ये चित्रकारी प्रकृति से सीखी हुई चित्रकारी है, कोई और इसका कोई आदि गुरु नहीं है। इस मायने में अगर इन सारी चीजों का कोई आदि गुरु है तो वो पृथ्वी और उसकी प्रकृति है जिससे सारे प्रेरणाएं ली और इंसान ने संगीत, चित्रकला, नृत्य, अब नृत्य कहाँ से सीखा होगा, पहली बार जब पहली बार इंसान ने नाच के लिए अपने कदम बढ़ाए होंगे तो इतना प्रफुल्लित होगा, लेकिन व्यक्त कैसे करे, तो व्यक्त करना उसने मोर से सीखा होगा कि मोर जब प्रफुल्लित हुआ तो उसने अपने पूरे पंख फैलाए और चारों तरफ उसने अपने आप अपना मूवमेंट किया और उससे उसको खुशी मिली, तो उससे नृत्य का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कलाओं का प्रादुर्भाव हुआ, यानी संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ और संस्कृति पुष्ट हुई। और हम ये मानने लगे कि सभ्य माने
सो संस्कृत। इसके साथ ये तो एक बात हुई, इसके साथ साथ बाजार आया वगैरह, उसका आज हम मतलब ना उतना समय होना चाहिए मुझे ना मुझे बोलना चाहिए कि सभ्यता और बाजार और व्यवसाय इसका क्या आपसी संबंध आज यहाँ पहुँचा है जिससे दूर सभ्यता का विकास बहुत दूर तक हो गया है। उस पर आज हम लोग मैं कम से कम मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। तो सुसंस्कृत और शिष्ट या सभ्य और सभ्यता और सभ्यताओं के अर्थ, तो जब ये सारा हो रहा था सारी चीजें चल रही थी तो जो सबसे शक्तिशाली थे समूह या व्यक्ति या लोग या प्राणी, वो उसने श्रम का विचार पैदा किया दास प्रथा से, या तो इंसान को गुलाम बनाया या जानवर को गुलाम बनाया। तो जानवर और इंसान को गुलाम बनाकर उसने श्रम पैदा किया और वो श्रम किसी एक व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो श्रम के विचार का बनना भी सभ्यता के विकास का एक हिस्सा है, लेकिन वो इतनी दूर तक पहुंच गया कि वो सचमुच के गुलाम बना लिए गए सारे, जो बहुत मजबूत है वो और मजबूत हो गया और जो बहुत निर्बल है उसने उन निर्बलों को भी दास बना के उनका दास का समूह बना दिया। ये काम तरह तरह से हुआ, दुनिया भर में हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में हुआ, उसके बड़े कुरूप रूप जगह जगह देखने को मिलते हैं। जहाँ जाइए वहाँ एक नया रूप उसको देखने को मिलता है। ये सभ्यता के बनने के साथ साथ एकदम विपरीत काम हुआ ये पूरी सभ्यता। इसलिए आज जब आप और हम सब लोग यहाँ बैठे हैं तो इस समूची परिस्थिति पर विचार करने की आवश्यकता है, न सिर्फ सभ्यता का अर्थ बल्कि बाजार व्यवसाय सरकार शक्तियां कानून संविधान, संविधान को पलटने की इच्छा, कानून को बदलने की इच्छा, इन सारी चीजों पर ये सारी की सारी बातें कुछ लोगों द्वारा, शक्तिशाली लोगों द्वारा कमजोर लोगों को उन्हें गुलाम उन्हें दास बनाने की एक महाप्रयास है जो पूरी दुनिया में हो रहा है। इस प्रयास को अगर हमने उल्टा नहीं तो इसके बहुत दुष्परिणाम निकल सकते हैं। और जो दूर सभ्यता विकसित हो रही है उसको ही सभ्यता मानने की नाजायज कोशिशें हो सकती है कि वही सभ्यता है। इसलिए जो मूल रूप था प्रकृति का कि सबका संतुलन परस्पर निर्भरता और लगातार चीजों का विकसित होना, लेकिन एक संवेदनशील स्तर पर, वो संवेदनशीलता का स्तर कहीं ये दिखता है कई जगह कि वो बहुत कम हो रहा है, उसमें काम आता है आसपास को जानने की प्रक्रिया, अध्ययन की प्रक्रिया, शोध की चीजें कि कैसे हम एक दूसरे से मिलकर चलते हुए पूरी मानव जाति अपनी माँ पृथ्वी के कार की शरण में जाकर के एक तरह से उसको पोषित कर सकती है, उसको बचा सकती है। क्योंकि वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि वो समय कुछ समय बाद आने ही वाला है जब कुछ भी हो सकता है। और जैसा कि हम लोग पहले पढ़ते थे कि वो 22 साल 25 साल 30 साल में हो रहा है, लेकिन वो और जल्दी हो गया 2018-2019 में पूरी जलवायु जो है पूरी दुनिया की वो जिस तरह बदली है उससे विनाश होने का क्रम और नज़दीक आ गया है। तो ये सिर्फ पर्यावरणीय चिंता वो हमारी चिंता नहीं है, ये चिंता विचार के स्तर पर भी है और ये सभ्यता से सभ्यता को बचाने की है। वो सभ्यता जो प्राणियों के बीच में संवेदनशील स्तर पर संवेदनशील बुनियाद पर बनेगी। धन्यवाद।